देखते हैं अभी एक लास्ट शॉट बाग वो जमाने में कैसा बनाया गया रहेगा। ये सुबह से हम लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, ये प्लेस देख रहे, वो देख रहे। यहाँ पर शूट चालू है, काफी सनसेट होने वाला है। काला अड़क लो प्लान में चेंज है यार। वैसे इनसे इनका नाम है सुनील केवट, ये पूरे पिक्चर के मेन रोलर हैं और ऐसे इनका नाम तो आप जानते रहेंगे। वैसे इनका काम है ड्रोन फ्लाई का। कैसा लग रहा भाई? मस्त है भाई। इनसे मेन का नाम है अंजारले बीच, चारों पात्र के लीडर एंड डायरेक्टर हैं। इनका काम है वीडियोग्राफी शूट करना। आइए इनसे मिलते हैं। इनका नाम शांत कोतिकर, ये अविनाश कोतिकर के छोटे भाई हैं। इनका काम है फोटोग्राफी शूट करना। बनने का शौक है और इनका काम है हम तीनों की हेल्प करना। ये है पार्ट टू। अगर पार्ट टू का मजा लेना चाहते हैं तो पार्ट वन पहले देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट टू का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। ऑलराइट स्किन्स, हम लोग थोड़ा ब्रेक लिए हैं तो रास्ते में हम लोग को थोड़ा सा बीच मिल गया, काफी सीन ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपको दिखाऊं, आप भी देख के बोलेंगे वाओ क्या सीन। प्लान में चेंज है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे कहीं दूसरा देखेंगे क्योंकि पानी का लेवल काफी बढ़ चुका है, पास तक आ गया है तो दिक्कत हो रही है हम लोगों को शूट करने की। चलते आगे वो देखते। ऑलराइट एस्केंस, अभी दोपहर के 12:40 हो रहे हैं और हम लोग शूट के लिए यहाँ पर आए हैं और बीच का नाम है दापोली बीच। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ गया तो हम लोग शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो गया, तो प्लान में चेंज हो गया। यहाँ पर हम लोग शूट नहीं करेंगे, हम लोग निकल के यहाँ से जाएंगे, कोई दूसरा बीच देखेंगे और वहाँ पर ट्राई कर। और यहाँ का सीन तो देखो क्लास है, एकदम पानी एकदम ब्लू। फाइनली हम लोग रास्ते में जा रहे थे, रास्ता भटक गए बट रास्ता तो मिल गया और आफ्टरनून हमें जो प्लेस पे जाना था हम वहाँ भी पहुँच गए। देखिए आगे रोमांटिक होने के लिए मना नहीं किया है, बस थोड़ा सा मेरे ब्लॉग पे भी ध्यान दो क्योंकि प्री वेडिंग पे शूट पे आया था, थोड़ा उस पर मेरा फोकस था। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, बाकी अभी ध्यान दीजिएगा आगे के पार्ट पे, मिलिए आगे। ऑलराइट स्कैंस, अभी हम लोग बीच पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर शूट चालू है, काफी सनसेट होने वाला है, काफी ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए पूरा बीच है यहाँ पर, सनसेट होने वाला है और वहाँ पर शूट चालू है। सुबह से हम लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, ये प्लेस देख रहे, वो देख रहे, दिमाग खराब हो गया है।
तो अभी शाम हो गया, लास्ट शॉट है, यहाँ से लेंगे फिर निकलेंगे फार्म हाउस के लिए। फिर वहाँ पर भी रात का भी थोड़ा शॉट है, वहाँ भी करेंगे हम लोग। देखते हैं अभी एक लास्ट शॉट बाकी है आगे। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। तो लगता है आप रोमांटिक बन ही गए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। ब्लॉग के साथ साथ रोमांटिक करना भी जरूरी है, अगर ब्लॉग में रोमांटिक या कोई सीन ऐसा ना दिखे तो ब्लॉग किस बढ़िया है, बने रहिए। ये पार्ट का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगले पार्ट के लिए। लेकिन जस्ट थोड़ा सा और कुछ सीन है ये भी देख लीजिएगा, वो मेरे ब्लॉग का पार्ट है, देखिए थोड़ा उस पर गौर फरमाइए। गुड मॉर्निंग गाइस, शूटिंग का दूसरा दिन है और अभी टाइम हो रहे 10 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए बानकोट किला जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी हमारा शूटिंग अभी किले पे थोड़ा शूट करेंगे हम लोग, तो चलते हैं। देखिए आगे खूबसूरत व्यू आप पीछे से देख सकते हैं, पूरा सी है यहाँ पर और ऊपर टॉप पे किला है बानकोट किला। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल पहुंच चुका हूं बानकोट फोर्ट पे, आज जो आप देख रहे हैं बानकोट के ऊपर ये फोर्ट का नजारा है, ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं पूरा वो जमाने में कैसा बनाया गया रहेगा, ये इतना स्ट्रांग है, ये इतने बड़े बड़े पत्थर है। तो हे एवरीवन, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं आने वाले पार्ट में, अभी के लिए